हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू वॉलफ्रेड चैनल। तो अभी अप्रैल का मंथ आने वाला है। अप्रैल का मंथ मतलब हमारा जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है वो एंड होने वाला है। पिछला फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, इसी के साथ साथ नया साल है, और नए साल में यहाँ पे बहुत ही बड़ी अपडेट है, वो ये कि बिटकॉइन की जो हाविंग है वो होने वाली है। बहुत ही कम दिन बचे हैं, सिर्फ 20 दिन बाकी हैं। तो अप्रैल का महीना कुछ ऐसा है जिसमें बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, सिर्फ बिटकॉइन के साथ ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट में। क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो ऑलरेडी बिटकॉइन का $17,000 के आसपास पहुँच चुका है, जो कि हाविंग की वजह से, और इसी के साथ साथ जो ऑल्टकॉइंस हैं वो भी सडनली पंप, ऑलरेडी पहले भी काफ़ी सारे हुए हैं और अभी भी होने वाले हैं। और आप देख रहे होंगे कि सोलाना जैसे कॉइन जो ऑलरेडी $200 के आसपास चल रहे हैं, BCH बिटकॉइन कैश $600 के आसपास चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हाविंग का इम्पैक्ट कितना बड़ा पड़ रहा है। इसी के साथ अगर हम ईयर एंड की बात करें तो उसका भी ये एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है। सिमिलरली आप देख सकते हैं सोलाना बेस्ड मीम कॉइन्स या फिर बाकी मीम कॉइन्स, पेपे जैसे कॉइन्स, बोम कॉइन, तो ये भी अभी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं। ग्रीड आप देखोगे कंटिन्यूसली एक्सट्रीम ग्रीड में ही चल रहे हैं, 80 के आसपास चल रहे हैं। एंड मार्केट कैप देखोगे $2.66 ट्रिलियन के आसपास चल रहा है, और यहाँ से जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशन है ये $5 ट्रिलियन तक भी जा सकता है इस बार, जो कि लास्ट टाइम $3.5 ट्रिलियन तक पहुँचा था। BTC की डोमिनेंस ऑलमोस्ट 52% तक पहुंच चुकी है। इथेरियम की जो पहले 20% के आसपास थी अभी 16 के आसपास चल रही है। तो ओवरऑल मार्केट बहुत बहुत बुलिश है। तो यही कारण है कि आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, 5 जेम्स आपके लेके आया हूँ। तो यहाँ पे कोई मैं छोटे मोटे कॉइन्स नहीं डिस्कस करने वाला इस वीडियो में, तो आपको पहले बता दूँ यहाँ पे हमने प्राइस नहीं कंसीडर किया है, लेकिन वो कॉइन्स कंसीडर किए हैं जिनके ऊपर खास इम्पैक्ट पड़ेगा न्यू ईयर का एंड हाविंग का, एंड डेफिनेटली अप्रैल से एक नया मंथ भी शुरू होने वाला है। तो अप्रैल मंथ के लिए जो बेस्ट कॉइन्स हैं वो हम अभी बात करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉलफ्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ पे मैं सारी अपडेट्स डालता हूँ। रिसेंटली अभी आपको बिटमार्ट का मैंने एयर ड्रॉप डाला है कि $50 का एयर ड्रॉप है, आप अभी इसे ग्रैब कर सकते हो। यहाँ पे टोटल 10 एलिजिबल मेंबर्स होने वाले, तो हो सकते हैं उनमें से एक आप भी हो सकते हैं, जाइए और $50 अपने सिक्योर कर लीजिए। तो बिटकॉइन आपको बताया कि $17,000 के आसपास ऑलरेडी चल रहे हैं, यहाँ से एक्सपेक्टेशन से $1,00,000 तक की भी लगाई जा रही है कितना ऊपर जाएगा। हालांकि जब भी एक्सपेक्टेशंस जैसी रहती है उसके बिल्कुल उल्टा होता है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे ऑल्टकॉइंस के बारे में, क्योंकि ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि जो पैसा बिटकॉइन में आना चाहिए वो ऑल्टकॉइंस में ऑलरेडी या तो लग चुका है या फिर लग रहा है इस वक्त, ताकि सभी लोग जो बिटकॉइन बाय नहीं कर सकते उनका पैसा ऑल्टकॉइन में लगेगा और ऑल्टकॉइन से ही वो पैसा कमाने वाले हैं। तो हमारा जो सबसे पहला कॉइन है ये मैं बिटकॉइन कैश ही चूज़ करूँगा, क्योंकि सबसे बड़ा इम्पैक्ट जब भी बिटकॉइन का पड़ता है, जब भी बिटकॉइन में एक बड़ी मूवमेंट होती है तो उसका खास इम्पैक्ट पड़ता है BCH यानी कि बिटकॉइन कैश के ऊपर ही। एंड डेफिनेटली ये चीज़ आप सामने देख सकते हो, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आप इसका जो मार्केट कैप देखोगे उसके हिसाब से 14th रैंक के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट $12 बिलियन के आसपास है इसका मार्केट कैप, जो कि करंटली $11.8 बिलियन के आसपास है, यानी कि इतना बड़ा मार्केट कैप है। एंड वैल्यू भी आप देख सकते हो $600 के आसपास ऑलरेडी चल रही है। तो यहाँ पे जो बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं वो ये एक्चुअल में तो यही है कि 2030 यानी कि आने वाले 4-5 सालों में ये $2,000 को बहुत ही ईजिली क्रॉस करने वाला है, लेकिन पिछले एक ही महीने के अंदर ये 60% से भी ऊपर हमें प्रॉफिट दे चुका है। तो इसमें $500 का जो एक मार्क था ऑलरेडी इसने क्रॉस कर लिया है, यानी कि यहीं से एक मोमेंटम बिगिन हुआ है, मोमेंटम यहीं से शुरू हुआ है कि अब ये ईजिली आने वाले महीने के अंदर $800 तो क्रॉस करेगा ही करेगा, कि सीधा सीधा आपको यहाँ पर कॉइन $200 का प्रॉफिट आपको ईजिली मिलने वाला है। लेकिन 2024 की बात करें, ओवरऑल इस पूरे साल की बात करें, तो पोटेंशियल इसकी $1,500 तक की है, जो कि बहुत ही ईजिली पॉसिबल हो सकता है। तो जब भी बिटकॉइन ETFs की बात होने वाली है या फिर बिटकॉइन के बारे में जब भी बात होने वाली है BCH के ऊपर, आपको एक रिज़ल्ट दिखेगा ही दिखेगा। तो लास्टली आपको फिर से दोबारा बता देता हूँ, अगर आपको BCH के बारे में नहीं पता तो ये हार्ड फोक है बिटकॉइन का, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्निंग अथॉरिटी के ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, यानी कि टोटली डिसेंट्रलाइज्ड कॉइन है, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है। तो सेकेंड कॉइन की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड कॉइन है, मैं सोलाना के ऊपर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बेट कर रहा हूँ कि सोलाना डेफिनेटली हमें बड़ा प्रॉफिट देने वाला है। सोलाना ऑलमोस्ट $197 के आसपास पहुंच चुका है, $200 बहुत ही जल्द क्रॉस करेगा, लास्टली भी इसने किया था। तो यहाँ आपको पिछली बार भी बताया था कि तब भी ऐसा एक सोलाना का मीम कॉइन आया था जिसकी वजह से सोलाना में हमें इम्पैक्ट देखने को मिला था। तो सोलाना का भी MEW के नाम से कॉइन है, तो ये कॉइन की वजह से यहाँ पे जो सोलाना के इकोसिस्टम के कॉइन्स हैं उनमें एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल रहा है। लास्टली हमने बोम कॉइन देखा था, तो बोम कॉइन भी बहुत अच्छा चला, लेकिन जो मीम कॉइन्स में ट्रेंड होता है बहुत ही जल्दी शिफ्ट होता है, तो शिफ्ट बोम कॉइन से अभी मीम के ऊपर ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है।
तो म्यूकॉइन में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अगर अच्छी ऑर्डकॉइन की बात करूँ तो सलाना हमें बड़ा प्रॉफिट देने वाला है, क्योंकि अभी जो इतनी ज़्यादा वॉल्टिलिटी मार्केट में है और इतना ज़्यादा जब इन्फ्लो आ रहा है क्रिप्टो करेंसीज में, तो सलाना यहाँ पे फिर से बीट करने वाला है बीएनबी को, क्योंकि बीएनबी ने यहाँ पे अपना मार्केट कैप 90 बिलियन डॉलर तक पहुँचा लिया है और अभी जो सलाना है ये 87.5 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो फिर से यहाँ पे सलाना कम्पीट करेगा ही करेगा, और यही कम्पिटिशन एक दूसरे को आगे ले जाता हुआ यहाँ पे टोटल मार्केट कैप जो है पूरी क्रिप्टो करेंसीज का वो भी बढ़ने वाला है। तो बीएनबी में यहाँ पे ज़्यादा मार्केट कैप कैसे आ गया ये भी हम जान लेते हैं। तो आपको लास्ट वीडियो मैंने कौन सा दिया था कि आपको फ्री में यहाँ पे इथीना कॉइन्स के ईएनए कॉइन्स फ्री में मिलने वाले हैं, जो कि बाइनेंस की परफॉर्मिंग चल रही है। लॉन्च पूल में पार्टिसिपेट करो और वहां पे आपको ईएनए कॉइन्स मिलेंगे। तो सिर्फ 3 दिन का लॉन्च पूल है, फार्मिंग करो और पैसा कमाओ। लेकिन वहां पे क्या कि बीएनबी को स्टे किया जा रहा है, बीएनबी को स्टे करने की वजह से बीएनबी की वैल्यू बढ़ रही है, मार्केट कैप बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सोलाना कभी पीछे नहीं हटता और ना ही हटने वाला है, तो डेफिनेटली हमें सोलाना में भी एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। एंड प्राइस यहाँ से आप इजीली 50-100% प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसी अप्रैल महीने के अंदर। एंड हाँ, इनके जो मीम कॉइन्स हैं उसके ऊपर भी खास ध्यान देना। अब तीसरे कॉइन की बात करेंगे अगेन, जिसके ऊपर बिटकॉइन का ही इम्पैक्ट पड़ता है, बिटकॉइन की वजह से ही इसमें हमें मूव देखने को मिलता है, तो यह है लाइट कॉइन। तो लाइट कॉइन करंटली चल रहा है $100 के आसपास। तो $100 जब पिछली बार बुल रन आया था तब हमने $40-50 के आसपास बाय करके इसको $100 से भी ऊपर $120 के आसपास बेचा था। अभी इसने ऑलरेडी $105 का जो रेजिस्टेंस है ब्रेक किया है, जिसकी वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये इजीली $150 तक, एक्चुअली में $140-150 तक जाने वाला है। अभी इसमें जो बुलिश मोमेंटम है वो शुरू हो चुका है, लेकिन इन केस अगर प्राइस नीचे गिरता भी है तो ध्यान देना कि यहाँ पे जो सपोर्ट्स हैं वो $80 के आसपास हैं। तो लगभग 40-50% का प्रॉफिट हम अप्रैल महीने के अंदर इसमें एक्सपेक्ट करने वाले हैं। अभी हम बात करेंगे चौथे कॉइन के बारे में। तो हमारा जो फोर्थ कॉइन है ये है डॉज कॉइन। तो डॉज कॉइन में भी अभी बहुत इस लंबे समय के बाद एक बड़ा मूव देखने को मिला है। तो अभी इसकी वैल्यू $0.2 के आसपास चल रही है, यानी कि 20-25 सेंट के आसपास इसकी वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पे एक बड़ा रीज़न ये है कि जो डॉज कॉइन है इसकी फ्यूचर्स में लिस्टिंग होने वाली है, जो सबसे बड़ी एक्सचेंज है अमेरिका की कॉइन बेस के नाम से, उसके ऊपर लिस्टिंग होने वाली है। तो ये 1 अप्रैल को होनी चाहिए थी, इन्होंने बताया भी था, लेकिन अभी 1 अप्रैल को डॉज की नहीं होने वाली बल्कि LTC एंड BCH इन दोनों की होने वाली है। इसके बाद 29 अप्रैल तक डॉज कॉइन की भी होगी, जिससे क्या कि डॉज कॉइन की जो ट्रेडिंग और ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो डेफिनेटली बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला है, क्योंकि इसी एक्सचेंज के ऊपर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है और वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से डॉज कॉइन का प्राइस भी बढ़ेगा। तो डॉज कॉइन हमेशा स्ट्रांगली खड़ा ही रहा है, जैसे अभी भी देख सकते हो 8th पोजीशन पर है, चाहे इसकी वैल्यू सिर्फ 20 सेंट के आसपास है लेकिन मार्केट कैप 28 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो सबसे बड़ा जो मीम कॉइन है वो हमेशा डॉज कॉइन ही रहने वाला है, क्योंकि इसको एज ए पेमेंट्स के लिए भी यूज़ किया जाएगा। एंड इवन SpaceX की भी पहले आप बात सुन चुके हो कि वहाँ पे भी इसको somehow इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ये थे हमारे 4 कॉइन। पाँचवा हमारा जो लास्ट कॉइन है, यहाँ पे इसको मैं 2 कॉइन्स में डिवाइड करूँगा, एक तो है LUNA यानी कि लूना और दूसरा है LUNC। तो लूना कॉइन की वैल्यू तो वैसे जनरली हम देख ही रहे हैं कि $1-$1.5 इसके आसपास ही रहती है। इसका जो ऑल टाइम हाई गया था, क्योंकि नया लिस्ट हुआ था, तो वो भी $16-18 के आसपास ही गया था। तो इसमें बड़ा मूव तो हमें नहीं देखने को मिला है, लेकिन LUNC की वजह से इसमें हमें अच्छा प्रॉफिट मिलता है। अब हम बात करेंगे LUNC की, जो है लूना क्लासिक। तो लूना क्लासिक की वैल्यू चल रही है $0.0015 के आसपास। तो इसमें हमें लगातार वॉल्टिलिटी देखने को मिली है। तो एक्चुअल में अगर आप नहीं जानते तो ये वही कॉइन है जिसकी वैल्यू $120 के आसपास भी पहुंची हुई है, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो ये वैल्यू बहुत ही कम है। अभी जो सबसे बड़ा फ़ायदा हमें होता है LUNC में वो यही होता है कि अगर इसकी सप्लाई को बर्न किया जाता है, सप्लाई जितनी ज़्यादा कम होती है उतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ती है। और बाइनेंस जैसी बड़ी एक्सचेंजेस ऐसे जब भी कोई ना कोई बड़ा इनिशिएटिव लेती हैं कि वो एक बड़ा अमाउंट बर्न करेंगे, तो हमेशा LUNC में हमें मूव देखने को मिलता ही मिलता है। तो LUNC क्या मानोगे नहीं कि इसकी जो एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है वो ये कि बुल रन में ये $1 तक भी पहुँच सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा अपग्रेड आने वाला है V2.4.2। इससे क्या होगा कि ऑनबोर्डिंग शुरू हो जाएगी डैप्स की, यानी कि टेरा का जो लूना क्लासिक है इसके ऊपर डैप्स बनने शुरू हो जाएंगे। डैप्स जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा इसका TVL भी बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें काम करेंगी, एक तो डैप्स से TVL बढ़ेगा, दूसरा यह कि बड़े एक्सचेंजेस के सहायता से लूना का बर्न होने वाला है। और अभी 105 बिलियन से भी ज़्यादा LUNC यानी कि लूना क्लासिक को बर्न
किए जा चुके हैं या कर चुके हैं अभी, और ऐसा इम्पैक्ट हमें लूना जो एक्चुअल LUNA है उसके ऊपर भी हमें देखने को मिलेगा। तो लूना में भी आप इन्वेस्ट करके ज़रूर रखें। आज चाहे सिर्फ ये $1 के आसपास है, लेकिन यही $1 वाला कॉइन आपको यहाँ से 4 से 5 गुना तक का प्रॉफिट सडनली देने वाला है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने 5 कॉइन्स डिस्कस किए हैं, लेकिन इनके अलावा कोई और कॉइन हो जिसकी आप जानकारी चाहते हैं नीचे कमेंट करो। अपडेट्स मैं आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर दूंगा, वॉल स्ट्रीट ऑफिशियल के ऊपर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।